द चैलेंजर ब्रिस्बेन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉर्चर्स। नमस्कार जाहिद, कैसे आप लोग आए? आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो स्वागत करती हूं सब व्यूअर्स का क्रिकेट गर्ल हसीना के यूट्यूब चैनल में, और हम आपको बताने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन, की प्लेयर सबके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वुमेन बिग बैस लीग 2023 का प्ले ऑफ चल रहा है। तो सबसे पहले एलिमिनेटर मैच हुआ, जिसमें ब्रिस्बेन हीट ने सिडनी थंडर को 44 रन से हरा कर चैलेंजर के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें उसका मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर से होगा। यह मैच पर्थ के WAC स्टेडियम पर खेला जाएगा। अब यहाँ जो टीम जीतेगी वो संडे को फाइनल में एडिलेड स्ट्राइकर से मैच होगा। तो वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन वेदर क्लियर रहेगा और टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बात करें पिच रिपोर्ट की तो WACA का पिच सीम बॉलर्स के लिए बेस्ट होता है और यहां फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। बॉल यहां बहुत ज़्यादा स्विंग करती है। तो बात करते हैं टॉस रिपोर्ट की, तो दोनों टीमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहेगी और बड़ा स्कोर सेट कर सकती है। बात करते हैं पर्थ स्कॉर्चर्स शॉट एनालिसिस की, तो लास्ट लेग मैच में पर्थ की टीम एडिलेड स्ट्राइकर से हार गई थी। बैटिंग रिट में ओपनर बैटर विनफील्ड हिल और बेथ मुनी से अच्छा स्टार्ट चाहिए। नंबर तीन पर क्लो पिपरो है, स्कोरिंग के लिए टीम फॉर्म में चल रहे हैं। ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट और एमी जॉन्स पर टीम डिपेंड होके, बॉलिंग ऑलराउंडर मैडी ड्रेक टीम की एसेट है। लास्ट मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स की को अपनी इनिंग बिल्ड करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। विकेट कीपर बेथ मुनी टीम की प्लस पॉइंट है। बॉलिंग यूनिट में टीम टाइम पर ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए क्लो एम्सवर्थ एमी लुइस से एडगर की जोड़ी से अटैक करवाना चाह सकती है। कैप्टन सॉफी डिवाइंस ने लास्ट गेम में अच्छा परफॉर्म किया था। अलाना किंग को भी यहाँ कमाल दिखाना होगा। लिली मिल्स और पीपा क्लोरिक पर टीम पूरी तरह से डिपेंड रहेगी। अब बात करते हैं पर्थ स्कॉर्चर्स की प्लेयर्स की, तो सॉफी डिवाइन, बेथ मुनी, मैडी डॉर्के, नेट साइवर ब्रंट। अब बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट शॉट एनालिसिस की, तो ब्रिस्बेन हीट लेग एलिमिनेटर में सिडनी थंडर को हरा कर यहाँ आया है, तो उनके लिए यह मैच टफ होने वाला है। टीम के ओपनिंग फॉर्म में है और जॉर्जिया रेड माइने टीम अच्छा खेल रही है। ग्रेस हैरिस लास्ट मैच में 22 बॉल में 45 रन की तेज तरार इनिंग खेल टीम को अच्छा स्टार्ट दी थी। यहाँ भी दोनों बेस्ट स्टार्ट दे सकते हैं और एमिलिया केर ने भी लास्ट मैच में 48 रन बनाए थे, तो वो भी फॉर्म में है। ब्रिस्बेन हीट के मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और लॉरा हैरिस ने लगातार अच्छी इनिंग देख खेलकर अपनी एबिलिटी दिखा दी है। एक्सपीरियंस मिग्नॉन डूप्रीज मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए इम्पोर्टेंट बैटर है, जो एक गुड फिनिशिंग कर सकती है। कैप्टन जेस जोनासेस लास्ट मैच में फ्लॉप थी, तो उन्हें यहां परफॉर्म करना होगा। अगर टीम को फाइनल का टिकट कटवाना है तो बॉलिंग अच्छा करना होगा। और कॉर्टनी सिबेल ने लास्ट मैच में बेस्ट स्पेल किया था, उन्होंने बस 9 रन देकर 3 इम्पॉर्टेंट विकेट लिए थे। और निकोला हैनकॉक ने भी अच्छे बॉलिंग की और फॉर्म में दिख रही है, उन्होंने एलिमिनेटर में 2 विकेट लिए थे। बॉलिंग अटैक में एमिलिया केर सबसे गुड परफॉर्मर बॉलर रही हैं। जेस जॉनसन वोका की पिच पर इफेक्टिव होगी। बॉलिंग अटैक में अच्छी वेरिएशन है और भी ब्रेक थ्रू दिला रही है। ब्रिस्बेन हीट की प्लेयर्स की बात करें तो एमिलिया केर, मिग्नॉन डू ब्रिज, चार्ली नोट, जेस जोनासे। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो अगर चैलेंजर मैच के विनर की बात करें तो करंट फॉर्म में को देखकर विनर ब्रिस्बेन हीट हो सकता है और पर्थ स्कॉर्चर्स टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है।